सुभाष नगर अजमेर डेयरी फाटक पिछले 6 वर्षों से लंबित था। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हुआ और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को निवेदन किया और उसके बाद में कवायद शुरू हुई। आज दोनों ही फाटक पर से अंडर पास जो बनने हैं वो अंडर पास के लिए रेलवे से ब्लॉक लिया गया है। 9 घंटे का ब्लॉक मिला है अजमेर डेयरी फाटक और सुभाष नगर फाटक के नीचे अंडर पास के ब्लॉक डलेंगे, उसके बाद अंडर पास बनेगा तो जो आने जाने की बहुत बड़ी समस्या थी वो दूर हो जाएगी। साथ ही चूँकि ओवरब्रिज बन रहा है इसलिए ओवरब्रिज बनते समय ज़्यादा समय ना लगे और जो ट्रांसफार्मर हैं जो बीच सड़क में हैं या सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का जो नीचे उतरने का जो अप्रोच है उसके मध्य में जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटा करके रोड लेवल पर मिलाना है। तो इस तरह से खूब सारे काम है, इसके लिए आज जिला प्रशासन में एडीएम सिटी और आरएसआरटीसी के जो यहाँ एमडी हैं मिस्टर अग्रवाल के साथ में विजिट हुआ है और मैंने जितने काम होने चाहिए वो सब चिन्हित करके बताए हैं। आशा करती हूँ कि 1.5 से 2 महीने में अंडरपास से आवाजाही शुरू हो जाएगी तो जो ओवरब्रिज है उनका काम भी बहुत फास्ट पूरा हो जाएगा और आने वाले 4-5 महीनों के अंदर मैं समझती हूँ 5 महीने कम से कम ओवरब्रिज के काम कंप्लीट होंगे। हाँ, उसका काम भी चालू है, उसमें अंडरपास के लिए ड्राइंग डिजाइन बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। अंडरपास का ड्राइंग डिजाइन बनते से ही पहले अंडरपास शुरू करेंगे और उसके बाद में ओवरब्रिज का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसकी जो नीचे की अप्रोच रोड है उसमें आपने देखा होगा पिछले 5 साल से वो बहुत क्षीण अवस्था में थी, बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से रोड बना दी गई है तो आवाजाही में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये काम होने से जनता को राहत मिलेगी। के साथ LC1 और LC2 रेलवे फाटक पर जो RUB निर्माण होने वाला है जिसके लिए रेलवे से ब्लॉक लिया हुआ है उसका निरीक्षण किया गया और दोनों LC पर जो भी समस्या है ट्रैफिक संबंधित या कहीं पर अतिक्रमण संबंधित समस्या है उनको चिन्हित किया गया है, उनको 1-2-3-4 दिन में हटा दिया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देशित करना होगा कि वो यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन निर्बाध रूप से ना होने दें ताकि जो बड़ी मशीनें हैं उनका मूवमेंट अच्छे से हो सके। माननीय MLA महोदय की प्रयासों से ये काम चल रहा है और अंडरपास का काम हमें चालू कर रखा है। 14 तारीख को रेलवे की तरफ से ब्लॉक मिला हुआ है, 14 तारीख में हम इसमें रेलवे ट्रैक के नीचे पूरा बॉक्स RCC के बॉक्स हमारे तैयार हैं जो साइड पर रखे हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, तो इनको हम टाल देंगे। रेलवे का काम पूरा हो जाएगा, फिर उधर की साइड में DFCC ने अप्रोच बना दी है, हमारी अप्रोच बनना बाकी है तो हम लगभग 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे इस अप्रोच को। कितने टाइम में आम जनता को मिल जाएगा ये? 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल अप्रोच मिल जाएगा और आमजन इसको यूज में काम मिलना शुरू कर देगी, लाभ मिल जाएगा। मैं HL अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर RSRTC।
पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट।